नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक शर्मनाक और अप्राकृतिक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ओयो गेस्ट हाउस में नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 23 वर्षीय एक युवक के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया है। रिपोर्ट के मुताबिक युवक को बंधक बनाकर 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना 26 मई की रात की है। पीड़ित लड़के के मुताबिक उसने ओयो होटल की पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई और पुलिस में शिकायत की है। पीड़ित लड़के का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे उल्टा धमकाया। बाद में जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसके साथ ये शर्मनाक हरकत करने वाले लोग उसके दोस्त के साथ ओयो होटल आए थे। पीड़ित का आरोप है कि 25 मई की शाम को उसके दोस्त राकेश सेरावत ने उसे फोन करके ओयो में मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद जब वह होटल पहुंचा तो उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ दोस्तों मिलाकर दिया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। आरोप है कि इसके बाद दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दोस्त ने अपने 3 अन्य दोस्तों को भी होटल के कमरे में बुलाया और सभी ने बारी बारी से उसके साथ बदसलूकी की। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने ओयो फरीदाबाद को छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बंधक बनाकर मारपीट की और 5,000 रुपये भी लूट लिए हैं। मौका मिलते ही वह ओयो की पहली मंजिल से कूद गया और पुलिस को घटना की जानकारी दी है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जब मामला मीडिया में आया तो पुलिस ने आनन फानन में मामला दर्ज किया है। तो बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। अब तक की बड़ी खबर आप सभी